नमस्कार दोस्तों, मैं बोकारो से नगीना शर्मा। दोस्तों, ये जो आप पॉट देख रहे हैं, इसी में आज मैं गमला बनाकर सीमेंट और बालू से गमला बनाऊंगी, इसी को मैं शेयर करना चाह रही हूँ। इसके लिए ये सैंड, इसमें मैं सैंड डाली, एक एक दो, थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं है, थोड़ा या थोड़ा कम हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, फिर दोबारे इसको दो बना लीजिए। तीन, अब इसके बाद इसमें सीमेंट, दोस्तों ये जो मैंने बालू और सीमेंट रखे थे उसको मैंने पानी से देखिए किस तरह से इसको मिला दिया है। ये गाढ़े रहेंगे, ये बहुत ढीले नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से मैंने इसको पूरे अच्छी तरह से इसको मिला देना है। ये जब अच्छी तरह से मिल गई तो अब हमें गमले में, जिसका गमला बनाना है उस प्लास्टिक के बर्तन को मैं यहाँ लाती हूँ, इसको नीचे रख देती हूँ। इसी में मुझे गमले बनाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें चारों तरफ अच्छी तरह से तेल लगा लें, तेल ये इसको अच्छी तरह से लगा देना है, ऐसे इस तरह से। इसमें तेल लगा देना है चारों ओर, नीचे भी, नीचे भी लगा देना। तेल को हटा देती हूँ। दोस्तों इसके बीचों बीच ड्रेनेज के लिए ये कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन इसके बीच में डाल देती हूँ, और अब इसमें जो मैंने मटेरियल बना के रखा है उसको डालूंगी, उसकी ऊंचाई जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी, तो इसको मैं इसमें डाल दूँ। ये बड़ा हो जा रहा है, एक छोटा सा ले लेती हूँ, तो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, तो इससे इसमें दोस्तों ये जो बनेगा पॉट, ये इसकी ऊंचाई बहुत कम है इसलिए बोनसाई के काम में हमारा आएगा। इस तरह से अगर ऐसे तो मार्केट में मिल ही जाते हैं, हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन अपना बनाया हुआ एक अलग ही आनंद देता है, इसलिए मैंने इसको आपसे बना करके शेयर करने की कोशिश की है कि अपने से अगर हम बनाएं तो ये कैसा रहेगा। इस तरह से
ढक्कन के ऊंचाई तक डाल देनी है। जितने ढक्कन ऊंचे हैं तो हमारी पेंदी जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। इस तरह से इसमें दोस्तों कभी कभी इसमें अगर ठीक से ना पड़े तो कहीं कहीं एयर पॉकेट्स रह जाते हैं, तो गमले की को टूटने की डर रहती है, इसलिए थोड़ा सा दबाव डालते हुए इसको ऐसे करके करना है, क्योंकि एयर पॉकेट्स अगर इसमें रह जाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा दबाव डालना है इस पर ऐसे। देखना है किधर कम हो गया है, इधर कम हो गया है उधर और डाल देना है इस तरह। इधर थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इधर से थोड़ा हटा लेना है ऐसे ऐसे अच्छे से करना। अब दोस्तों इसके बगल में लगाने में मुझे अपने हाथ से करना पड़ेगा, इसको यहाँ रख के इसमें हाथ से मैं इसको यहाँ बगल में ऐसे चिपका दिया ऐसे करके। मसाले को थोड़े करे रखने हैं, अगर मसाले को करे नहीं रखेंगे तो इसके चिपकने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, मसाले को कड़ा रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, मसाले बहुत गीले न हो, इस तरह से इसमें चिपकाना है। अभी जब मैं यहाँ करूँगी तो नीचे के सरफेस भी थोड़े ये होंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है, फिर उसको बाद में कर लेना है, उसको फिर बाद में ठीक कर लेना है ऐसे करके इसको। थोड़े हाथ से दबाव डालते हुए नमस्कार दोस्तों। मैं इसको बनाने में मटेरियल को बनाने में और इसको लगाने में कैसे लगाना है इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी ये हो रही है कि मिट्टी में थोड़ी जो मैं सीमेंट और बालू मैंने घोली थी वो थोड़ी गीली हो गई थी, ये आपको दिख रही होगी, इसलिए थोड़े से नीचे की तरफ झुक जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा हमको ठीक कर लेना होगा, तो इसको इस तरह से हमें बनाना है, थोड़ा सा दबाना है इसको। ये देख रहे होंगे कि हम हाथ का दबाव थोड़ा यहाँ दे रहे हैं, ऐसा इसलिए करना है कि ये नीचे की तरफ चूँकि गीला है तो नीचे की तरफ ये आने की कोशिश करते हैं, तो इसको थोड़ा हाथ से दबाव डालते हुए इसको इस तरह से करना है, और जब इस तरह हो जाए तो फिर इसके किनारे पर थोड़ा ध्यान देना है ऐसे करके, एक तरफ से आप हाथ लगाएं ऐसे और एक तरफ से ऐसे करके उंगली से इसको किनारे को ऐसे करके इस तरह से, कहीं कहीं पर थोड़ी सी और सीमेंट की आवश्यकता आपको दिखाई देगी, तो इसको कोई बात नहीं है, इसमें लेके इसको डाल के फिर इस तरह से इसको हाथ का इधर से दबाव बना रहे, हाथ का दबाव ढीला होगा
तो गीले हैं ये नीचे की तरफ भागेंगे। तो हाथ का दबाव इधर से रखे रहना है और इस तरह से इसके किनारे को बनाना है। ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनको इस तरह से बनाना है, इस तरह से एक तरफ से हाथ का दबाव रखते हुए में करना है इस तरह से। तो आपके गमले के किनारे अच्छे आएंगे इस तरह। तो दोस्तों इस तरह से गमले तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसमें खुशी इस बात से होती है कि जब भी हम ये गमले को देखेंगे, इसमें रखे हुए पौधे को देखते हैं, तो लगता है कि इसको मैंने खुद बनाया है। और यही खुशी के लिए इसको मैं बनाई हूँ, और आप भी इस तरह का बनाकर अपने घर में आनंद लें। और फिर ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसको अब 24 घंटे के लिए चुपचाप से हमें छोड़ देनी है, इसके तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देना है। 24 घंटे के बाद फिर हम इसको निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। तो जब मैं इसमें से निकालूंगी तो फिर मैं उसका वीडियो आपसे शेयर करूंगी। लेकिन अभी इतना ही पर मैं आपसे इस वीडियो से निकल रही हूँ। गमले को बना करके मैं यहाँ से निकल रही हूँ। इसको जाके शांति से रख देना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है। यहाँ नीचे थोड़े ज़्यादा ही गीले हैं अभी, तो इस तरह से इसको रख देंगे और 24 घंटे के बाद इसको फिर से निकालेंगे। जब मैं इसको निकालूंगी तो पार्ट टू बनाकर उसमें मैं इसको निकालने का भी शेयर करूंगी। तो देखते हैं दोस्तों कि यह किस तरह का बन के तैयार होकर निकलता है। तो आज के लिए विदा। नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत प्यार मेरे बच्चों। जय हिंद।